हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट साइन रूट एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आज के क्लास में हम साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का टॉपिक है, क्लास 11th, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है लेट y इक्वल टू साइन रूट एक्स, और अभी हमें क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या इसको हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। बाई डेफिनेशन इसका जो डेरिवेटिव है वो है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन एच। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में सभी को ये बात तो पता ही है कि एक्स की जगह हम एक्स प्लस एच पुट करते हैं। अब हमें ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है, तो साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। तो यहां पे हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये हो गया टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू, फिर साइन ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन टू। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, ये मैंने इसको ऐसे उतार दिया दोबारा। अब आपको यहां पे क्या करना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस एच अंडर रूट में, इसकी हमें न्यूमरेटर और डेनोमेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये साइन का एंगल है उसमें अपॉन में टू है, तो टू से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब सभी को एक बात पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये थीटा और ये थीटा, ये हो गया वन, ये टू से हम टू काट देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अब क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस अंडर रूट में एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन टू अपॉन एच इंटू वन, क्योंकि सारा वन हो गया और इंटू में ये। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखेंगे ध्यान से सभी। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में सभी को एक बात पता है कि हमें रैशनलाइजेशन करना होता है। ये तो इसका एंगल, इसमें तो कुछ करना नहीं है, और अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये। तो ये एक्स एक्स कट गया, एच से एच कट गया। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, एच को जीरो
तो कोस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन टू, अपॉन यहाँ पे भी रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये आ गया कोस रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, तो उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इसको हम शॉर्टकट कह सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक्स प्लस एच साइन ये, और अपॉन में कितना था एच। आप देखो जो अपॉन में एच था ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सभी ध्यान से एक बात देखेंगे कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आएगा एच, और एच हमारा था यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको टू से डिवाइड एंड टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला जो सारा पोर्शन है हमारा, ये हो गया साइन थीटा बाई थीटा वन, टू से टू कैंसिल हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे डेनोमिनेटर वाला एच था, हमने उसको इन दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके वो ही आएगा जो हमें चाहिए। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्क्रीन पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी, तो वहां से आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।